हेलो एवरीवन, आज मैं आपके सामने लेके आई हूँ चिकन नहारी। चिकन नहारी बनाने के लिए मैंने ये आधा किलो चिकन लिया है, दो बड़े प्याज लिए हैं, धनिया लिया है, अदरक को मैंने पतला पतला काट लिया है, चार पांच हरी मिर्च ली है और दो मैंने नींबू लिए थे। एक नींबू में से मैंने आधा काट लिया है और एक नींबू में से मैंने ऐसे पतले पतले स्लाइस कर लिए हैं। यहाँ पर मैंने छोटी कटोरी दही ली है, ये चने लिए हैं, चनों का ये ब्लैक वाला छिलका मैं निकाल दूंगी, उसे बाद में पीस लूंगी, आपको बाद में दिखाऊंगी। मसाले में लिया है मैंने धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, नमक। यहाँ पे मैंने एक चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च ली है और ये मेरा नहारी मसाला है, होममेड नहारी मसाला। अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए तो प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं अलग से इसकी वीडियो बना के डाल दूँगी। चिकन नहारी मैं कुकर में बनाऊंगी। मैंने इसमें ऑयल डाल दिया है और गैस को ऑन कर दिया है। चिकन नहारी में ऑयल की क्वांटिटी आप लोग ज़्यादा ही रखना क्योंकि ऑयल इसमें ज़्यादा पड़ता है। मैंने इसमें तकरीबन 4 चमचे ऑयल डाला है, मेरा चमचे का साइज़ ये है और मेरा ऑयल गरम भी हो चुका है। अब मैं इसमें अपना चिकन डालूंगी। यहाँ पे मैंने अपने चिकन को कुकर में डाल दिया ऑयल के साथ, उसमें फ्राई करूंगी। यहाँ क्या होता है कि फ्राई करने से चिकन का जो कच्चापन होता है, जो स्मेल होती है, वो फ्राई करने से वो चीज़ ख़त्म हो जाती है। मैं 2 मिनट इसको फ्राई करके बाहर निकालूंगी। देख सकते हैं अच्छे से ये फ्राई हो रहा है, चिकन का कलर जो है वो भी चेंज हो गया, अब इससे स्मेल नहीं आएगी चिकन में। अब मैं इसको बाहर निकालती हूँ, तकरीबन 2 मिनट हो चुके हैं इसको फ्राई होते हुए। यहाँ पे मैंने चिकन को बाहर निकाल लिया है, अब ये जो ऑयल बचा है इसमें ही मैं अपनी प्याज डालूँगी। यहाँ पे मैं अपनी ऑयल में प्याज डाल देती हूँ। प्याज को आप थोड़ी सी देर भूनेंगे, प्याज को भूनना नहीं है, इसका कच्चापन दूर करना है, प्याज को बस सॉफ्ट करना है, इसको लाल नहीं करना, हमें सॉफ्ट करना है इस प्याज को। इतने में अभी छोड़ देती हूँ, अभी थोड़ी देर में ये सॉफ्ट हो जाएगी, फिर दिखाती हूँ आपको इसमें क्या डलेगा। यहाँ पे मेरी प्याज सॉफ्ट हो चुकी है और प्याज का कच्चापन भी ख़त्म हो चुका है। अब मैं इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डालूंगी। दो मिनट के लिए भूनूंगी इसको, फिर इसके बाद अपने मसाले डालूंगी। दो मिनट हो चुके हैं मेरे अदरक लहसुन को भूनते हुए, अच्छे से प्याज में मिक्स हो चुका है। अब मैं इसमें अपने मसाले ऐड करूंगी। ये मेरा मसाला चिकन नहारी मसाला है जो मैंने होममेड बनाया था, वो डाल दूंगी। हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर और लाल मिर्च पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्च 1 चम्मच, नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें डाल दीजिएगा। हमें इसे अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। देख सकते हैं इसमें कश्मीरी लाल मिर्च वाला कलर आ चुका है। 2 मिनट के लिए इसे भूनूंगी, फिर इसमें थोड़ा सा पानी डाल के मैं 2 सीटियां लगाऊंगी ताकि हमारी प्याज मसाले में मिक्स हो जाए। 2 मिनट हो चुके हैं मेरे मसाले को अच्छे से भूनते हुए। अब मैं इसमें पानी डालूंगी, ये मैंने आधा ग्लास पानी लिया है, वो इसके अंदर डाल दूंगी। अब मैं इसमें 2 सीटी लगाऊंगी ताकि जो हमारी प्याज है वो अच्छे से मिक्स हो जाए, हमारी नारी में प्याज नजर ना आए। दूसरी सीटी आ चुकी है, मैं इसको बंद कर देती हूँ गैस को, खोलती हूँ, देखती हूँ कैसा हो रहा है हमारा मसाला। आप देख सकते हैं सारा ऑयल
सेपरेट हो चुका है। अब ये हम अपना ऑयल अलग एक बर्तन में निकाल लेंगे, एक कटोरी में सारा ऑयल निकाल लेंगे। जितना भी इसमें ऑयल सेपरेट हुआ है सारा बाहर निकाल लेंगे एक कटोरी में। मेरा इतना ऑयल निकला है, ये मैंने इसको सारा सेपरेट कर लिया। अब ये मसाला मेरा कुछ इस तरीके से दिख रहा है, इसमें ऑयल ना के बराबर ही है। अब मैं इसमें अपना चिकन डाल दूंगी। मसाले के अंदर अपने चिकन को भूनूंगी अच्छे से 2 मिनट तक। 2 मिनट बाद मैं इसमें दही ऐड करूंगी। दही 2 मिनट हो चुके हैं चिकन को भूनते हुए अच्छे से। अब मैं इसमें दही डाल रही हूँ। इसको धीमी आंच पे पकाएंगे 15 मिनट तक। मैं इसको पकाती हूँ, दही इसमें अच्छे से मिक्स हो जाए, फिर हम इसमें आलल लगाएंगे अपने चने के आटे पर। यहाँ पे चिकन कुछ इस तरीके से है, चिकन गल चुका है हमारा। अब हम इसमें आलन लगाएंगे। आलन के लिए यहाँ पे मैंने चने को फिक्स में पीस लिया था, चने के आटे का इसमें आलन लगाएंगे और अच्छे से घोलेंगे। इसमें कोई लम्स ना रहे, इसमें पतला पेस्ट बना लेंगे। जैसे साग में हम आलन देते हैं साग बनाते टाइम, उसी तरीके का पतला घोल बना लेंगे। कुछ लोग इसके अंदर चने के अंदर मैदा भी डालते हैं और कुछ लोग आटा भी डाल के घोल बनाते हैं। देखो इस पतला सा घोल बन गया है, ये इसमें कोई लम्स नहीं है। अब मैं इसको अपने चिकन में डालूंगा। मैंने चिकन में डाल दिया है। अभी जैसे ये थोड़ा सा पकेगा ये हमारा गाढ़ा होने लगेगा। ये देख रहे हो इसकी ग्रेवी डालते ही ऐसा हो गया। थोड़ा सा पानी और डालूंगी, जो इसमें ये चिपका हुआ है सारा इसके अंदर आ जाएगा। चिकन कुछ इस तरीके का हो गया है, इसकी जो ग्रेवी है गाढ़ी हो चुकी है और जो ऑयल था वो सब ख़त्म हो चुका है इसमें। अब मैं इसमें ये थोड़ी सी हरी मिर्च डाल दूंगी, थोड़ी सी अदरक, और ये जो मैंने नींबू काट के रखे थे वो इसमें डाल दूंगी। इसको मिक्स करती हूँ थोड़ा। दस मिनट तक और पकाती हूँ। चिकन तो वैसे अच्छे से गल गया है लेकिन हमें इसमें आलन लगाया है तो इसको 10 मिनट तक और पकाते हैं। ये देखिए कुछ ऐसी हो रही है, चिकन नारी बन चुकी है, चिकन अच्छे से गल चुका है। अब मैं इसको किसी बर्तन में निकाल लेती हूँ सर्विंग बाउल में, फिर आपको दिखाती हूँ। देखो रोटी अच्छे से गल चुकी है। मैं इसको अब कटोरी में निकाल रही हूँ। देखो अच्छे से चिकन हो चुका है हमारा, नारी तैयार है। नारी का कलर कुछ इस तरीके से ही आता है। हरी मिर्च और ये वो रोगन है जो हमने निकाला था, ये हम ऊपर से डाल के इसको सर्व करेंगे। ये हमारी नारियल तैयार है।
जितनी ये देखने में टेस्टी है उतनी खाने में भी टेस्टी है। और ये यहाँ पे मैंने नींबू लिया है, इसको नींबू को निचोड़ देंगे। इस नींबू से नारी का टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। ये मेरी नारी बन के तैयार हो गई। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।